अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट। आई होप सो यू आर ऑल फाइन। डियर स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 की थिंक टैंक सॉल्व की थी। आज हम चैप्टर नंबर 3 की थिंक टैंक सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 3 की थिंक टैंक में हमारे पास 4 and 5, 6, 7 हमारे पास क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, हमने इनको सो आज सॉल्व करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड व्हाट टाइप इलेक्ट्रॉन हैव द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सो फर्स्ट का आंसर है हमारे पास, नोबल गैस हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी एनर्जीज बिकॉज दे हैव कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल, देयरफॉर इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। अदर ऑन दी अदर हैंड, अल्कली मेटल्स ग्रुप 1A हैव ग्रेटर आयनाइजेशन, देयरफॉर अल्कली मेटल हैव लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, टू एटम हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2s, 2s² 2p6 एंड 1s² 2s² 2p6 एंड 3s1। सो इस एटम 1 में हमारे पास क्या आ जाता है, 1s² 2s² 2p6 एंड बी में हमारे पास आ जाता है 1s² 2s² 2p6 एंड 3s1। आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास 2080 kg mol नेगेटिव के साथ इनवर्स के साथ आ जाता है, और आयनाइजेशन एनर्जी 496 kg mol मोल -1 के साथ आ जाता है। नोबल गैस ग्रुप 8A हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी बिकॉज दे हैव रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल, देयर फॉर इन दिस केस द वैल्यू ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी विल बी 2801 kg per mol। मोल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s² 2s² 2p6 एंड 3s1 एंड शो द अल्कलाई मेटल ग्रुप 1A। अल्कलाई मेटल ग्रुप 1A हैव ग्रेटर साइज, देयर फॉर अल्कलाई मेटल हैव लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सो इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ द सेकेंड मेंबर ऑफ ईच ग्रुप फ्रॉम ग्रुप 1A, 2A एंड 7A टू शो दैट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज द सेम एज इट ग्रुप नंबर। सो इसको फर्स्ट को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सेकंड को, थर्ड को, थर्ड पॉइंट, थ्री पॉइंट्स के साथ हम इन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास किस तरह सेकंड मेंबर ऑफ ग्रुप 1A एस एल आई वैल्यू वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम एस 2s1, इस तरह सेकंड में हम बताया हुआ है कि सेकंड ग्रुप MG में और थर्ड हमारे पास आ जाता है CL में, सेवन ग्रुप A में। सो क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास ABCDFGHIJKL तक हमारे पास पॉइंट है, हमने इसको कंप्लीट करके तकरीबन सॉल्व करना है कि हमने इनको बताना है कि हमने ये किस तरीके से सॉल्व किया हुआ। फर्स्ट हमें कह रहे हैं कि विच एलिमेंट्स आर इन द सेम पीरियड्स, एलिमेंट ए एंड बी इन द सेम पीरियड्स पीरियड नंबर 3, एलिमेंट्स डी एंड ई आर इन द सेम पीरियड्स पीरियड नंबर 4। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ए और बी सेम पीरियड में, ये हमारे पास पीरियड चल रहा है सेम पीरियड में, ये डी और ई हमारे पास सेम पीरियड में, सी का अलग पीरियड है और एफ का अलग पीरियड है। सेम इस तरीके से बी में कह रहे हैं कि राइट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट डी एस एलिमेंट डी लाई इन ग्रुप सेकेंड ए, देयर फॉर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इज 4s², द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट इज कैल्शियम Ca। राइट एलिमेंट्स आर मेटल्स, विच एलिमेंट्स आर मेटल, कौन से एलिमेंट मेटल हैं, ग्रुप ए मतलब ग्रुप 1A एंड डी ग्रुप 2A, जो डी है वो हमारे पास ग्रुप 2A में है, आर मेटल बिकॉज ग्रुप 1A रिप्रेजेंट अल्कलाई मेटल एंड ग्रुप 2A रिप्रेजेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल। सो इस तरह हमारे डी में पूछ रहे हैं, डी ऑप्शन में हमें एलिमेंट डी ग्रुप सेकंड ए को लेकर चलना है। ई में हमारे पास एलिमेंट ई इज प्रेजेंट इन ग्रुप वी एंड नेम ऑफ दीज एलिमेंट्स आर आर्सेनिक मतलब ए एस एलिमेंट। विच ऑफ द एलिमेंट इज हैलोजन, एलिमेंट एफ इज़ अ हैलोजन बिकॉज इट्स लाई इन ग्रुप 7th ए, द नेम ऑफ द एलिमेंट इज रोडीन आई। इस तरीके से हमारे पास इसका जी एच आई और जे के, यहाँ तक हमारे पास इसके पॉइंट्स जे के और एल, यहाँ तक एल तक हमारे पास इसके पॉइंट प्रॉपर सॉल्व किए हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने ये बताना है कि अल्कलाई मेटल कौन से, अल्कलाइन कौन से हैं, नोबल कौन से हैं और हैलोजन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं कि इन व्हाट रीजन ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स टेबल यू फाइंड इलेक्ट्रॉन्स विद रिलेटिवली हाई आयनाइजेशन एनर्जी, लो आयनाइजेशन एनर्जी या हाई आयनाइजेशन लो, इनको हमने एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम हाई आयनाइजेशन एनर्जी को लेकर चलेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद लो आयनाइजेशन एनर्जी को लेकर चलेंगे और उसमें बताएंगे कि क्या हो रहा है। जिस तरह लो आयनाइजेशन एनर्जी में कह रहे हैं कि ऑन दी अदर हैंड अल्कलाई मेटल ग्रुप 1A हैज़ ग्रेटर साइज, देयरफॉर अल्कलाई मेटल हैव लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इसी वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लोअर हो जाती है। देयरफॉर एलिमेंट्स इन द अपर लेफ्ट टू द पीरियोडिक टेबल्स हैव द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी अल्कलाइज मेटल एस ब्लॉक।
सो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 3 की सेल्फ जो थिंक है वो सॉल्व हो चुकी हैं। हमने प्रीवियस एग्जाम में चैप्टर नंबर 4 की थी। सो आपको आई होप सो समझ आ गई होगी। आपने की अपनी नीट कॉपीज पर करनी है। सो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।